గాంధీజీ ఇచ్చిన క్విట్ ఇండియా పిలుపుతో దేశం మొత్తం ఏకతాటిపై నడిచిందన్నారు ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ. నాడు బొంబాయిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో గాంధీజీ పిలుపు మేరకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ముందుండి ఉద్యమాన్ని నడిపించారని అన్నారు. 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थक संकल्प को स्वीकार किया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से देश छोड़ने को कहा गया था. भारत छोड़ो, क्विट इंडिया. इस संकल्प के पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण के अंत में जो कहा, मैं उसे दोहरा रही हूँ. उनके शब्दों में, मैंने कांग्रेस को प्रतिज्ञा दिलाई है कि कांग्रेस करे या मरे. इन शब्दों ने पूरे देश को उत्तेजित कर दिया. अंग्रेजी सरकार ने वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों और अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर दिया. हजारों लोगों को 1945 का दूसरा विश्व युद्ध